गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 7 क्लास 11 का चैप्टर 7 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के, और हम लोग परम्यूटेशन से रिलेटेड कुछ फार्मूला देखेंगे। तो परम्यूटेशन हमने कल ही पढ़ा था, परम्यूटेशन का फार्मूला क्या था, NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ये फार्मूला था परम्यूटेशन के लिए। सेकेंड, अगर हम लोग यहाँ से वैल्यू कुछ एज्यूम करते हैं, दैट मीन्स NP0 फाइंड करते हैं, तो NP0 की वैल्यू क्या होगी ये हम लोग देखते हैं। NP0 दैट मीन्स फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस जीरो फैक्टोरियल, दैट मीन्स फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n इक्वल टू 1। NP0 की वैल्यू कितनी आई, 1। सेकेंड थर्ड देखते हैं, अगर NPN होगा, दैट मीन्स अगर दोनों वैल्यू सेम हो, या RR ले सकते हैं, NPN हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, n फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n जीरो फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, इसलिए ये वैल्यू क्या आ गया, n फैक्टोरियल अपॉन 1, दैट मीन्स n फैक्टोरियल। ये हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ये सभी फार्मूले का। इसमें हम लोग NP1 की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो n अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, वही वैल्यू होगी, फोर्थ NP1, दैट मीन्स n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल को ब्रेक करते हैं तो n माइनस 1 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल होगा अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल, दैट मीन्स यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, n आएगी। तो इस तरीके से हम लोग ये तीन फार्मूला है, एक तो परम्यूटेशन का ही फार्मूला है, बाकी तीन फार्मूले को हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। NP0 की वैल्यू 1 होती है, NPN की वैल्यू n फैक्टोरियल, NP1 की वैल्यू n होती है केवल। तो ये फार्मूला आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 7.3 के, सेम परम्यूटेशन के क्वेश्चन हमको बनाना है, नोट कर ले। एक्सरसाइज 7.3, एक्सरसाइज 7.3 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 7.3 एक्सरसाइज 7.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो डायरेक्ट है, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय द यूजिंग डिजिट 129। 129 डिजिट का यूज करना है आपको, कितने डिजिट बना सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे 9 नंबर है और कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, दैट मीन्स 9P3 आप फाइंड करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 9P3 से। हम लोग डायरेक्ट सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करके देख रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया, हाउ मेनी होल डिजिट नंबर आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड, दैट मीन्स हम लोग को होल नंबर बताना है कि फोर डिजिट के कितने नंबर हो सकते हैं, तो फोर डिजिट के नंबर बनाने हैं और डिजिट क्या है, वी हैव टेन डिजिट, हमारे पास टोटल डिजिट कितने होते हैं, 10 डिजिट होते हैं, कौन कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, ये 10 डिजिट है, 10 डिजिट है, बट हम लोग को कितने डिजिट के नंबर बनाने हैं, 4 डिजिट, नंबर ऑफ फोर डिजिट के नंबर बनाने हैं हमको। तो अगर हमको फोर डिजिट के नंबर बनाने हैं तो उसके लिए कितने प्लेसेस होंगे, 4 प्लेसेस होंगे, ये 4 प्लेसेस हैं। अब हम लोग इसमें से देखेंगे कि वैलिड नंबर कौन कौन से होते हैं, वैलिड नंबर दैट मीन्स अगर हमको फोर डिजिट के नंबर बनाने हैं और इस फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट प्लेस है इसमें अगर हमने जीरो पुट कर दिया
और बाकी किसी भी नंबर में कोई भी नंबर पुट करते हैं तो क्या वो 4 डिजिट का नंबर होगा? वो वैलिड नंबर नहीं होगा। तो दैट मीन्स हमारे पास फर्स्ट के लिए जो ऑप्शन है वो कितने ऑप्शन हैं कि हम कितना बना सकते हैं? केवल 9। फर्स्ट डिजिट में हम लोग कितने नंबर लिख सकते हैं? 1 to 9 यही नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 0 लिखते हैं तो वो 4 डिजिट का नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? केवल 9 ऑप्शन है। तो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट का हम लोग टोटल नंबर देखते हैं। तो 4 डिजिट का टोटल नंबर के लिए दैट मीन्स फर्स्ट में ऑप्शन कितने हैं? केवल 9 ऑप्शन है। एंटो सेकेंड के लिए तो हमारे पास पूरे ऑप्शन है कि हम लोग 10 तक पूरी वैल्यू लिख सकते हैं। थर्ड के लिए भी पूरे ऑप्शन है, 10 तक पूरी वैल्यू लिख सकते हैं। फोर्थ के लिए भी पूरे ऑप्शन है, 10 तक पूरी वैल्यू लिख सकते हैं। बट फर्स्ट डिजिट में एक वैल्यू क्या हो गई है? फिक्स हो गई है। कोई भी वैल्यू, 0 तो नहीं लिख सकते, जो भी वैल्यू हम लोग लेंगे वहां एक वैल्यू क्या है? फिक्स है। अब नंबर कितने बचे हैं? 9। कितने नंबर बचे हैं? केवल 9 नंबर बचे हैं। तो हम लोग को उसी में से कितने डिजिट के नंबर बनाने? 1, 2, 3 डिजिट के नंबर बनाने। दैट मीन्स हम लोग इसको परमिटेशन से देखेंगे तो 9p3 फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? 9p3 फॉर 3 डिजिट के लिए, क्योंकि ये 3 डिजिट का नंबर होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा? 9 × 9 अपॉन 9 − 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 9 × 9 − 3 दैट मीन्स 6 फैक्टोरियल, 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 6 फैक्टोरियल का आंसर, दैट मीन्स टोटल नंबर्स कितने होंगे? 9 × 9 × 8 × 7। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, 9 × 9 × 8 × 7 करेंगे तो कितना आएगा? 504 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45। तो टोटल नंबर्स कितने हैं? 4536। ये टोटल नंबर होंगे 4 डिजिट के, जो हम लोग पूरे 0 से लेके 9 तक के नंबर से बनाएंगे। ऐसे ही हम लोग और क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज के। कौन सा क्वेश्चन और देखें? क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है? हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3, 4, 6 and 7। हम लोग को 3 डिजिट का नंबर बनाना है, वो भी इवन नंबर। क्वेश्चन नंबर थ्री, गिवन नंबर, हम लोग को नंबर क्या गिवन है? 1, 2, 3, 4, 6 and 7 ये नंबर गिवन है। कितने डिजिट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स डिजिट है। हम लोग को केवल इवन नंबर फाइंड करना है। इवन नंबर कितने डिजिट का होना चाहिए? 3 डिजिट का इवन नंबर। नंबर ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट का हम लोग नंबर देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो 3 डिजिट का नंबर बनाने के लिए 3 प्लेस होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं हम लोग को कैसा नंबर बनाना है? इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है? 2 या तो पुट कर सकते हैं, या 4 या 6, वो भी यूनिट डिजिट में। यूनिट डिजिट में जो हमारा वंस है उसमें हम लोग केवल 2, 4, 6 दैट मीन्स हमारे पास 3 ऑप्शन है पुट करने के लिए। तो टोटल 3 डिजिट इवन नंबर, 3 डिजिट का इवन नंबर टोटल क्या होगा फ्रॉम दिस नंबर? ना हम लोग केवल इसी नंबर के लिए चेक कर रहे हैं। इवन नंबर इक्वल टू दैट मीन्स वंस के लिए तो हमारे पास ऑप्शन फिक्स है कि 3 ही होगा। अब हम लोग को ये दोनों के लिए ऑप्शन बनाना है। तो हमारे पास टोटल कितने हैं? 6, बट इसमें से एक नंबर क्या हो चुका है? फिक्स हो चुका है। दैट मीन्स हमारे पास नंबर कितने बचे हैं? 5 नंबर। और ये कितने डिजिट और बचे हैं? 2, दैट मीन्स 5p2
5p2 से हम लोग 2 डिजिट के बाकी जो 5 नंबर बचे हैं उससे जितने भी नंबर होंगे वो बना सकते हैं। तो 3 × 5p2 दैट मीन्स 3 × इसको सॉल्व करेंगे क्या वैल्यू होगी, फैक्टोरियल 5/5 − 2 दैट मीन्स फैक्टोरियल 3 इक्वल टू 3 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल कैंसल दैट मीन्स 3 × 5 × 4 3 × 5 = 15 × 4 = 60 तो टोटल इवन नंबर कितने होंगे 60 इवन नंबर होंगे फ्रॉम दीज नंबर्स। ओके अब नेक्स्ट हम लोग 6th या 7th क्वेश्चन देखते हैं जिसमें n की वैल्यू या r की वैल्यू फाइंड करना है। तो इस एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन देखें या 7 6 हाँ दोनों क्वेश्चन सेम है उसी टाइप से सॉल्व करना है परम्यूटेशन का यूज करके। 6th क्वेश्चन फाइंड वैल्यू ऑफ n इफ n − 1 p3 क्या ये बना है हमको 6th क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं n माइनस ये गिवन है हमें n − 1 p3 रेशियो क्या गिवन है np4 इक्वल टू 1:9 इसको सॉल्व करना है और इससे क्या वैल्यू फाइंड करना है n की वैल्यू फाइंड करना है कि n की वैल्यू क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं n − 1 p3 को सॉल्व करते हैं रेशियो को, तो रेशियो को हम लोग इसमें पुट करते हैं अपॉन में, ठीक है फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं n − 1 फैक्टोरियल अपॉन n − 1 − 3 ठीक है n फैक्टोरियल अपॉन n − r फैक्टोरियल होता है उसका यूज कर रहे हैं हम लोग −3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n − 4 फैक्टोरियल इसको सॉल्व करेंगे तो 1/9 n − 1 फैक्टोरियल है n − 1 फैक्टोरियल अपॉन इसको सॉल्व करेंगे n − 4 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n − 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9 दैट मीन्स n − 4 फैक्टोरियल कैंसल यहाँ से वैल्यू क्या आएगी n − 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी n − 1 फैक्टोरियल इसको तो ब्रेक करने से और वैल्यू छोटी हो जाएगी इसलिए हम लोग इसको नहीं ब्रेक कर रहे हैं n − 1 फैक्टोरियल ही लिखे n फैक्टोरियल को ब्रेक करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी n × n − 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9 n − 1 फैक्टोरियल कैंसल दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी n = 9 यहाँ से हमको n की वैल्यू क्या मिला 9। इसी तरीके से आपको अदर भी क्वेश्चन सॉल्व करना है और भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं अगर किसी को भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू। कितना मिनट हुआ।